हमारे विलेज में समझ लें कि पहला ही हमारा घर होगा जिसमें जिसमें किचन पक्का है। किचन जो है ना वो प्रॉपर जो है ना दीवारें लगा के बनाया गया है। देखो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जा रहे हैं? खुश रहे? आबाद रहे? सुबह बखैर। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हम आप बहन भाइयों को डिटेल दें कि अक्सर हमने कमेंट्स पढ़े थे कि ये वाला जो पिलर है ये एक्स्ट्रा किस लिए आपने दिया है। तो मिस्त्री साहब आज जो है ना इस जगह का काम जो है वो कर रहे हैं, और ये जो जगह छोड़ी थी यहाँ पर वो सामने आपको किचन की एक गुलाई नजर आ रही होगी, तो ये वाला है समझ लें गुलाई वाला दरवाजा यहाँ से और ऐसे। ये पिलर कह रहे थे कि अगर ये एक्स्ट्रा पिलर क्यों बनाया, तो ये पिलर इसलिए बनाया था कि यहाँ से यूं गोलाई ये इसकी। एक तो ये गुलाई हो जाएगी, और मेरी और मिस्त्री की जो बात हो रही है, एक तो यहाँ पर विंडो आ जाएगी जैसे आपने कहा है, और दूसरा ये है कि इसी के साथ हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है ना सीढ़ी उठाई सीढ़ी उठा दें ऊपर स्टेप। तो ये वाली जो जगह आपने देखा है कि मिस्त्री जो है ना चुनाई कर रहा था, तो ये जी ये डिज़ाइन बना है इस जगह का। जैसे आप लोग कह रहे थे कि ये खाली जगह नहीं छोड़ना, इस जगह भी कवर करना, तो हमने यहाँ पर ये गोल वाला एक डिज़ाइन बनवाया है, और ये किचन वाला भी इस तरफ एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो मतलब यहाँ से भी इंटर गेट है, और यहाँ से भी, और इसके ऊपर छत आ जाएगी तो बंदा यहाँ पर भी सुकून से बैठ। और राबिया के काम चेक करें आप, जात। और मिस्त्री भी आज जल्दी भाग के चले गए। ख्याल करते मतलब ढेप में तले। अब यहाँ खड़ी होकर खुद ही डिटेल बताओ भाई, आ विंडो गई विंडो शिंडो का भी खुद बता दो। तो विंडो तो लग रही है ना। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, मुझे यह बताना कि मैं क्या यहाँ पर जाली का दरवाजा लगाऊं, अच्छा लगेगा या नहीं? जाली का दरवाजा, हाँ, जाली का दरवाजा, मक्खी मच्छर। अच्छा हाँ जी, शाम के बज रहे हैं 4:45, और इस वक्त जो है ना बिल्कुल ही मिट्टी का तूफान आने वाला है गांव में, क्योंकि आसमान का कलर वहां पर बिल्कुल ब्लू है और वहां पर बिल्कुल ही रेड हो रहा है, और दरख्त भी मुसलसल बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे 10 मिनट में या 15 मिनट में या आधे घंटे में तो बहुत तेज हवा चलने वाली है आज। कहाँ है तूफान? है कहाँ है तूफान? तूफान अभी अभी तो रुका है, तुम उस तूफान को पता लगा है कि बहुत बड़ा तूफान घर से बाहर आ रहा है तो इसलिए तूफान चला गया। अभी भी है देखो हल्का 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 हल्का, अच्छा, ये हल्की सी हवा चल पड़ी है, तूफान है? नहीं, इस तरफ से तूफान पूरी, देखे नहीं है? इस तरफ से पूरी मिट्टी का तूफान आ जब रहा था। तूफान आता है ना, तो अभी दरख्त तक भी देख लो, ये देखो पेड़ के पेड़ ना जड़ से निकलते जा रहे अभी हैं। जो है हमने किचन की छत को सोलर प्लेटों से पैक किया हुआ है, यहाँ रखी हुई है, धूप धूप सेक रही है, और हमें जो है ना इस तार से करंट दे रही है, क्योंकि बिजली। तो अभी बहन भी नहीं। भाइयों इस जगह पे तो लग रही है जी विंडो जैसे आप लोगों ने कहा था इस जगह पे, और मैंने और राबिया ने आपसे ये मशवरा पूछा था कि ये जो स्टेप बच रहा है क्या हम यहाँ से इस जगह से इसको ऐसे स्टेप दे दें ताकि ये वाली जो छत है वो वाली वो उस छत के बराबर आएगी, ताकि हम यहीं से स्टेप ऊपर जो है ना सीढ़ी चली जाएगी। यहां से सीढ़ी उठेगी, सीढ़ी सीढ़ी उठी ना तो गिरने का डर हो। अल्लाह का शुक्र है 2 दिन के काम के बाद हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। 2 दिन मैकेनिक ने घर पे खोला है जी, और सारा काम सेटअप करने के बाद ये रिम, ये शाखें, ये सीट, खाली इंजन वही है हमारा, और ये मडगार्ड वगैरह, ये मीटर वगैरह सब चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है। बस हल्की हल्की सी जो है ना अभी आवाज़ आ रही है यहाँ से टक 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 की, हो सकता है कि इसके अंदर टाइपेड वॉल होते हैं। मैं ये उनका जो सामने आपको पहले वहाँ खड़ा हुआ था, तो अभी यहाँ ऊपर छत पे हूँ, यहाँ से किचन का जो है ना ऊपर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और ये घर, और ये घर क्या कह रही हो, और अब ये जो है वो वहाँ पर है, और यहाँ से आप हमारा विलेज देखें जी। शाम का वक्त है, सूरज अभी वो सामने है, और शाम का व्यू है ये, चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना हरा भरा और कितनी हरियाली है। ये बिल्कुल यहाँ पर
ये सर पे थाल, तो ये कहाँ जाया जा रहा है? रोटी तंदूर पे रोटी लगाने, रोटी पकाने जा रही हूँ। अक्सा को उठाया मैंने, अक्सा सोई भी थी, और देखो कुत्ते कितने सारे पीछे आ गए मेरे रोटी के लिए। जाओ जाओ जाओ, सारा आटा पका कर आऊंगी क्योंकि इनका भी हिस्सा बीच में है। हाँ। तो कल काफी सारे कमेंट थे हमारे तंदूर के बारे में, बेचारे के बारे में जो शहीद होया बता। आज हमने अच्छी तरह बना लिया है, और बनाने के बाद अब इसे जलाने की तैयारी भी हो रही है तंदूर में। जैसे कि आपको दिखाया गया कि मैं घर से आटा लेकर निकल रही थी रोटी के लिए, तो अभी ये तंदूर जलेगा। अभी ये देखें थोड़ी थोड़ी दराड़े आ गई, इसको एक लेपा कर कल और लगेगा। शाम का वक्त हो रहा है जी, गांव का ढलता हुआ सूरज है गांव में, देखें कि कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था, वो बात ये कि विलेजेस के जो किचन होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, सर्दियों के लिए, सर्दी से बचने के लिए इसको चारों तरफ से कपड़े डाल दिए जाते हैं, ढांप दिया जाता है, और गर्मियों में वही कपड़े हटा दिए जाते हैं ताकि एयर की पासिंग रह जाए, और खुले माहौल में बैठ के खाना पकाया जाता है। जैसा कि आपके सामने राबिया जो है वो इस वक्त शाम का जो है ना आटा गूंद रही है, और साथ में जो है ना ये एक ग्वार की फली पक रही है। अच्छा, ग्वार की फली पक रही है जी, सालन बन रहा है जिसको लकड़ियों पे, ये लकड़ियां भी आपके सामने रखी हुई हैं। और इस हमारे विलेज में समझ लें कि पहला ही हमारा घर होगा जिसमें किचन पक्का है, किचन जो है ना वो प्रॉपर जो है ना दीवारें लगा के बनाया गया है, जैसे आप सब बहन भाइयों ने मशवरा दिया। अगर के आप बहन भाई ना कहते तो शायद, क्योंकि आपने जब मुझे कहा है कि अहमद भाई राबिया को किचन लाजमी बनवा के दें, किचन लाजमी बनवा के दें, वरना हमारा किचन भी कुछ इस टाइप का होता, क्योंकि मैं भी यहीं का पला बड़ा हूं और राबिया भी 50% देहाती है, 50%। क्यों राबिया? मैं 50% शादी के बाद देहातन हुई हूं। वही 50% कह रहा हूँ ना, 50% कह रहा हूँ ना, 50% राबिया भी देहात की, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इसलिए हम लोग ये ओपन किचन यूज करते हैं कि एक तो एयर पासिंग होती है, और क्योंकि जब अगर हम इसको पैक कर दें, यहाँ पर ज्यादातर खाना लकड़ियों पे बनाया जाता है, अगर हम इसको पैक कर देते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से जो धुआं हाल करता है, ये आप देखें कि बिल्कुल पूरी छत काली है। अगर कि इसको हम पक्का कर दें, चारों तरफ से दीवारें इसकी लगा दें, तो फिर क्या होगा कि जो पकाने वाला होगा वो रोएगा पहले और पकाएगा बाद में, ऐसा है ना राबिया? इस वजह से गांव के जो किचन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं और इस तरीके के बनाए जाते हैं। बल्कि इससे भी मैं आपको जो है ना कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे किचन हैं जो मैं आपको दिखाऊं, इतने खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है उनकी, और ऐसे ही ओपन है, बिल्कुल ऐसे ही ओपन, क्योंकि जब देखें ज्यादातर जो है ना किचन विलेजेस में ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब जैसे इस तरफ मशरिक है और इस तरफ मगरिब है और इस तरफ मशरिक है, तो सर्दियों में जैसे ही सूरज की धूप पड़ती है तो सुबह सुबह बैठ के नाश्ता करने का अपना ही मजा होता है, अलग ही धूप में। तो ये समझ लें कि आप, लेकिन फिर भी राबिया कह रही है कि हम अपने मकान की छत पे जो है ना वो विलेज वाला किचन जरूर बनाएगी। ये के छत पे इसलिए बनाऊंगी कि छत से एयर पास ज्यादा होगी, सर्दियों के लिए भी अच्छा है और गर्मियों के लिए भी अच्छा है। ये बस आप बहन भाइयों ने कहा कि किचन चाहिए तो हमने किचन बना लिया, वरना किचन हमारा कुछ ऐसा होता जी। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में आज लाजमी बताना है जो हमने आपसे सीढ़ी के बारे में पूछा है और जो दूसरे आपसे कुछ मशवरे किए हैं, तो इसी दुआ के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाजत कि जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। देश में रहने वाले बहन भाइयों को सबको अपनी दुआओं में याद रखा करो। जो बहन भाई परेशान है, मैं दुआ करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों की अल्लाह ताला हर मुश्किलें परेशानी है हल फरमाए, दूर फरमाए यानी कि दूर कर देना, दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे, हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।